कि यहाँ पे जिस तरह से जो है वो 1,000 से ज्यादा बच्चियां हैं जो कि उनको उठा के ले जाते हैं, कभी उनका मंदिर तोड़ देते हैं, कभी जला देते हैं, कभी उनको जो है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के जेलों में डाल देते हैं, कभी जान से मार देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं उठती है, ओआईसी वाले भी चुप बैठे रहते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी कुछ नहीं कहती, और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होता रहता है और हम कहते नहीं जी हम तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और साफ झूठ बोलते हैं जबकि उनके पिक्चर्स भी मौजूद हैं, पूरे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमें तो हर कोई राइट ही नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। दूसरे के मजहब पे भी यहाँ पे कुछ भी बोल दिया जाता है। मैंने खुद ट्विटर के ऊपर देखा था कि कोई पाकिस्तानी था और उसने किसी जो हिंदुज्म की कोई रिलीजियस उनकी कोई पिक्चर थी वो उसको फाड़ के और जला के दिखा रहे थे और बता रहे थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें हमें सिर्फ अपने लिए ही सही लगती हैं, किसी दूसरे के लिए हम समझते हैं कि बस जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो अभी यहाँ पर इन्हें बड़ा जोश आया है, ये फिर यहाँ के कुछ जो है वो कह रहे हैं ट्रेड इंडिया के साथ ना की जाए तो अभी तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, पहले भी नहीं हो रहा था ट्रेड, उनके कौन से वो कहना चाहिए कि उनके यहाँ कौन सा सैलाब आ गया था ऐसा करने से। लेकिन ये जहालत जो है ये हमारे यहाँ की खत्म ही नहीं होती है किसी तरीके से, और हम हर वक्त कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। इंडिया ना डैमेज कंट्रोल करेगा और ना ये तालुकात खराब होंगे, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद तक बातें होंगी, वरना मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए, उनको इस्लाम के बारे में उनका इंटरेस्ट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी, उनकी इट्स नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप खुद देखेंगे हफ्ते बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कतर एयरलाइन भी वहां जाएगी और हर कारोबार होगा। ये सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा अपने आवाम को बताने के लिए वो कहते हैं कि आंखों में मट्टी डालने वाली बात है, आप देखेंगे इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, माजी में भी जो चीज़ें हुई हैं मिडल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया ओ आई सी इज़ ए नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सऊदी अरबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है, ये दो चार दिन बातें करेंगे, इधर से कंडेम करेंगे, उधर से करेंगे, दैट्स बेसिकली इट। लेकिन अनटिल कभी भी अरबी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेते जब तक उसमें फाइनेंस पैसा इन्वॉल्व ना हो इसमें, क्योंकि पैसा कहीं से भी रुकने का खर्चा हुआ तो फौरन वापस जाएंगे। आई डोंट बिलीव कि इट्स गोना लास्ट लॉन्गर, मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में ये खत्म बात खत्म हो जाएगी। 3 से 4 दिन तो पाकिस्तान में कोई बात नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा था, लग रहा था इनके पास ये न्यूज है ही नहीं। और अच्छा ही था, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहा, मैंने कहा बेहतर है ये कभी कभी ना भी बोला करें तो ठीक रहता है। तो लेकिन हुआ ये कि जब ये गल्फ कंट्रीज तक बात चली गई और वहाँ से जब बात आई तो इन्हें मजबूरन इनको जो है वो अम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ा इंडियन, और उसके बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा। और मेरे ख्याल है हमारा इसलिए नहीं बनता कि तो फैजपुर जो है शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, मैंने उनको कई बार डिबेट्स में देखा है लेकिन इतफाक ने कभी मेरे साथ डिबेट उनकी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस तरह के सेंसिटिव किस्म के इशू पे मेरा ख्याल है उन्हें अवॉइड करना चाहिए था और बात नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो कितना भी कुछ कहें कि जी माफ़ी मांग ली, उन्होंने स्टेटस लगा दिया, सब कर दिया। लेकिन सर आपने अगर ज़रूर किया होगा, प्रिंट मीडिया में आपने जरूर काम किया होगा, आपको याद है कि अगर हम कोई खबर गलत लगा देते हैं तो दूसरे दिन हम उसका एक माफ़ीनामा लगा रहे थे कि जी हम ये खबर हमारी गलत थी, लेकिन जो सीनियर थे वो कहते यही हैं कि नहीं वो माफ़ीनामा कोई नहीं पढ़ता, वो गलत खबर को पहले पढ़ चुके होते हैं तो बस उसी पे रहते हैं। तो वही कुछ इनके साथ भी हो रहा है कि इनके इन्होंने जो माफ़ी मांगी है वो किसी काउंटिंग में नहीं आ रही, कोई उसको काम नहीं कर रहा, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो सिर्फ उसी चीज़ को कह रहे हैं जो कि उन्होंने बोली थी। अब अगर ऐसा ही था तो फिर ऐसे तो उस न्यूज चैनल को भी जो है वो बैन कर देना चाहिए, उस न्यूज एंकर को भी बैन कर देना चाहिए जिसने इस किस्म का कंटेंट जाने दिया। प्लीज आपको एक आंकड़ा दूंगा, हैरान हो जाओगे, जब से ये रशियन यूक्रेनियन वॉर हुई है हम जो करीब करीब क्रूड लेते हैं वो 212 मिलियन बैरल लेते हैं, 80% ऑफ द क्रूड लेते हैं, इसकी कीमत करीब करीब जो अभी आंकी गई है 120 से 150 बिलियन डॉलर है, ये इसका प्राइस है। तो 212 मिलियन बैरल क्रूड 120 से 150 बिलियन डॉलर की परचेज, मोस्टली ये आता था मिडल ईस्ट से, कुछ आता था सऊदी अरब से नहीं मिडल ईस्ट से आता था, कुछ यूएस से आता था, कुछ रशिया से। अभी जब ये लड़ाई हुई है रशिया यूक्रेन की, प्राइस बढ़ाया सऊदी अरब ने, जीसीसी कंट्रियों ने प्राइस बढ़ा दी, आपको याद होगा 40-45 डॉलर भी आया था, 120 के आसपास। अब हमने रशिया से क्रूड बढ़ाया, सच्चाई ये है आज तक अभी तक करीब करीब 35
मिलियन बैरल क्रूड, 35 मिलियन बैरल क्रूड रशिया से आ गया। 400% क्रूड इंपोर्ट बढ़ा है रशिया से। क्यों? रशिया हमें 35 से 40 डॉलर सस्ता क्रूड दे, रशिया हमें लाके यहाँ तक दे रहा है और ये कॉस्ट है यहाँ तक डिलीवरी का, हमारी रिफाइनरियों को प्रोसेस कर पा रही है। अब आप बताइए इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है साल में, जो बहुत बड़ा है। रशियंस एज ऑन डेट 16% मार्केट शेयर पर कब्जा कर चुके हैं और अगर ऐसे ही चलते रहे बाय द एंड ऑफ द ईयर रशियन क्रूड का मार्केट जो शेयर है इंडिया में करीब 30 से 33% आएगा। और फकर भाई आप ये भी जानते हैं कि अगर एक बार रशिया ने मार्केट ले लिया उसको कोई हिला नहीं सकता। कारण रशिया में सैंक्शंस है, सस्ता तेल देने को तैयार है, रूबल में पैसे लेने को तैयार है, कुछ डॉलर में तो कुछ रूबल में क्रेडिट देने को तैयार है और 35 से 40 डॉलर पर बैलर इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंट्री। अब ये जब खबर आई है इससे इस चीज को और एकदम हवा लगती है, क्योंकि मैं आपको शुरू से कहता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल्स ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स के ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं चलते पत्थर भाई, ये बिल्कुल भूल मानी है ही है। जब डॉक्टर जयशंकर का ये स्टेटमेंट तो अचानक ये स्टेटमेंट बदल जाता, अचानक सारे एम्बेसडर समन होने लगते, क्योंकि अगर रशिया ने 33% शेयर लिया तो मान लीजिए मोटा मोटा रशिया के पास 30-40 से 50 बिलियन डॉलर का मार्केट आ जाएगा और वो कहाँ से जाएगा? उसका मेजोरिटी हिस्सा GCC कंट्री से जाएगा, थोड़ा बहुत US से जाएगा और थोड़ा बहुत इधर उधर से जाएगा, कैनेडा में डाल लीजिए। अब आप ये माने कि इसमें US का रोल नहीं, इसमें US का भी रोल, उन्होंने भी बोला भाई इन्होंने ऐसा कह दिया आप कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि पहले 7-8 दिन ये मसला बिल्कुल शांत था। ये मैं आपको सीखो से प्रिवेंट होता, जैसे ये चीजें पड़ी तो ये मसला बढ़ गया। मतलब आपने जो बोला ना कि हमें जितना बाहर वाले डैमेज कॉज नहीं करते उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अंदर वाले डैमेज कॉज करते हैं। और एक मैं चीज अक्सर बोलता हूँ और आपकी शो में भी मैंने एक बार पहले बोली थी, दोबारा वो जुमला मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे यहाँ किले के दरवाजे जो हैं हर समय अंदर से खुले हैं। ये भारत का रिवाज रहा है सर कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं, बाहर वाले में इतना दम नहीं था। आप जब भी देखेंगे भारत का इतिहास तो अभी भी वही कोशिश की जा रही है। वो लोग विफल होंगे, दे विल फेल, बट थोड़ा सा बुरा लगता है सर कि जब ऐसा होता है, यू नो व्हेन जब लोग होते हैं जब इस तरीके की बातें करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला है नुपुर शर्मा का मैं आपको बताता हूँ, वो पूरा अगर आप वीडियो अभी तो खैर निकाल दिया उसने, वो जो टीवी चैनल था उसने निकाल दिया वहाँ से, नुपुर का सिर्फ ये था कि लोग और ख़ासतौर से जो मुस्लिम्स हैं वो ये देख रहे हैं कि नुपुर ने क्या बोला, ठीक है। और अगर आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि नुपुर ने क्या बोला, फिर जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा, दिल में दुख होगा, एंगर होगा, ये लाजमी है और इसमें किसी को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा रिएक्शन है। पर नुपुर ने क्या बोला, अगर इसके पहले हमारे मुसलमान भाई बहन सिर्फ ये पता लगा लें कि नुपुर ने ऐसा क्यों बोला, क्या क्या हुआ अचानक? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई चुपचाप अच्छे मूड से कोई बात कर रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं जी आपका घर परिवार कैसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका घर परिवार कैसा है और बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रही हो, अचानक मैं कूद पड़ूं या आप मेरे ऊपर कूद पड़े, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज के पीछे हिस्ट्री होती है। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो भी बोला, ठीक है, आप अग्री करिए डिसअग्री करिए, वो नुपुर बुरी है अच्छी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज नुपुर शर्मा ने बोला बीजेपी ने एक्शन ले लिया, कल एक सड़क का आदमी ट्विटर पे डालता है फेसबुक पे डालता है, क्या करेंगे उसका? कल कोई भी डाल सकता है, उसको क्या जेल में डाल देंगे? तीसरा बोलेगा, कितने जेल में डालेंगे आप? इसका सिर्फ एक ही है, हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों होश के नाखून लें, इज्जत से तमीज से आपस में रहें, भाईचारे में रहें, इसका यही इलाज है सर। इसको ना आगे बढ़ा के बात पता क्या है, बुरी बात क्या हो गई है भारत में, मैं आपको बताता हूं नेगेटिव क्या हो गया है। मुसलमानों को यह पता है कि अगर हिंदुओं को क्या हम बोलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनकी आंख से आंसू निकलेंगे, मुसलमानों को पता है। और हिंदुओं को भी पता है कि अब उनको क्या बोलेंगे कि उनकी आंख से आंसू निकलेंगे, उनकी चीखें निकलेंगे, और दोनों ये चीज करते रहते हैं, ठीक है। मैं अग्री नहीं करता हूं जो नुपुर ने बोला, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, वो सच हो झूठ हो मैं उसमें नहीं जा रहा। आई एम नोबडी, मैं कोई इस्लाम का सर कोई वो नहीं हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जिसने भी वो डिबेट देखी है, कोई न्यूट्रल पार्टी यही बोली कि शी वॉज पुश्ड, और ये पुशिंग इंडियन टीवी पर बहुत होती है,
और मैं टीवी एंकर से भी गुजारिश करूंगा जो शो कंडक्ट करते हैं, आप कुछ ना करें वरना ऐसी चीजें होंगी, आगजनी होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे क्योंकि लोग टेलीविजन देखते हैं। और सीधी साधी बात है कि और एक तरफ का बयान ना लें, एक तरफ का जो भी बात हो टेलीविजन पे भी हो सर, वो जिसको कहते हैं ना कि सबूत की रोशनी में हो, और एक एक जिसको कहते हैं कि एक डिसेंसी के दायरे में हो। इल्जाम तराशी करना बड़ा आसान है कि तुमने ये, तुम ऐसे, तुम चोर, में डकैत, ये सब हो सकता है, बट इससे कोई फायदा नहीं किसी का।